हेलो फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। मैंने यहाँ पे तीन तरह के डिशेस लाए जो हम लोग जन्माष्टमी में बनाते हैं, यानी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए ये देखते हैं इसकी रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। तो हम लोग का जो पहला डिश है वो है सिंघाड़ा का हलवा। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में एक कटोरी घी ले लिया है। इसमें हम लोग आधा किलो सिंघाड़ा का आटा डालेंगे, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। फिर हम लोग को इस आटे को अच्छे से रोस्ट करना है घी के साथ। इससे घी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा और आपको सिम करके रोस्ट करना है अच्छे से। हम लोग को इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसमें आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगेगा, बट उसके बाद ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग शक्कर डालेंगे। आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक कटोरी शक्कर लिया है। आपका जो हलवा है वो धीरे धीरे लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है। हम लोग को पानी डालते हुए इसको अच्छे से पकाना है। इसको लो फ्लेम पे आप अच्छे से रोस्ट करें और ये पूरा डार्क ब्राउन कलर का जब हो जाएगा तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लिया है। अभी हम लोग का जो हलवा है वो अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुका है, तो हम लोग इसे उस प्लेट में निकाल लेंगे। हम लोग को प्लेट पे अच्छे से लेयर में इसको बिछाना है, जिससे हम लोग कट करें तो एक अच्छा शेप आए इस हलवे का। कोई भी स्पैचुला या चम्मच या नाइफ लेके आपको इस हलवे को अच्छे से स्प्रेड करना है प्लेट पे। ये चारों तरफ से इक्वल लेयर में बिछना चाहिए। फिर हम लोग हलवे को कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। मैंने यहाँ पे किशमिश, आलमंड और काजू यूज़ किया है। और फिर हम लोग इसको नाइफ से कट कर लेंगे पीसेस में। आपका सिंघाड़ा का हलवा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितनी अच्छी रेसिपी है। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मखाना का खीर। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मखाना का खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध को उबाल लिया है। फिर हम लोग मखाना को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। और फिर हम लोग इसको मिक्सर में पीस लेंगे। हम लोग इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है, इसको मीडियम पीसना है, जिससे इसका खीर में टेस्ट हम लोग को अच्छे से पता चले। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बारीक नहीं किया, इसको मैंने मीडियम रखा है। फिर हम लोग इसको दूध में डाल देंगे जब दूध उबल जाएगा अच्छे से, और इसको डाल के अच्छे से हम लोग चला लेंगे। मखाना डालने के बाद हम लोग को दूध को भी उबालना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो हम लोग इसे एटलीस्ट 20 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे लो फ्लेम पे। तो मैंने इसको 20 मिनट तक उबाला, उसके बाद ये खीर जैसा आपको इसका टेक्सचर आएगा। फिर इसमें हम लोग शक्कर डाल देंगे, आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। बीस मिनट के बाद जाके आपका खीर जैसा टेक्सचर आएगा, तब आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो आपका मखाना का खीर रेडी है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रेसिपी, जो है खसखस का हलवा। मैंने यहाँ पे मिक्सर में 400 ग्राम खसखस ले लिया पोस्तोदाना। इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छे से हम लोग को पेस्ट बनाना है, फाइन पेस्ट बनाना है, अच्छे से पिसाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है काफ़ी अच्छे से फाइन पेस्ट बन चुका है। कढ़ाई में हम लोग 1 कटोरी घी ले लेंगे। ये सब मिठाई में हम लोग को घी की क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी है, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। फिर हम लोग ने जो खसखस को पीसा था उसको इसमें डाल देंगे।
हम लोग को खसखस को भी अच्छे से रोस्ट करना है घी में, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक हम लोग इसको रोस्ट करेंगे, एटलीस्ट 10 मिनट तक रोस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं हमारे जो खसखस है उसने अच्छे से घी को पूरा अब्सॉर्ब कर लिया अपने अंदर, तो ये बहुत ड्राई हो चुका है एंड लाइट ब्राउन भी हो गया है। ये आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद ये एकदम डार्क ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप दूध यूज़ किया है। हम लोग को दूध को भी इसको अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये पूरा दूध अब्सॉर्ब ना कर ले। ये भी एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक हम लोग को ये चीज़ करना होगा। फिर इसमें हम लोग स्वाद अनुसार शक्कर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालिएगा शक्कर। और कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम लोग ने इधर क्रश कर लिया है। रेजिन्स लिया है मैंने, किशमिश और काजू। तो इसको हम लोग डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसको रोस्ट करेंगे। एक बार ये डार्क ब्राउन हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। आपका खसखस का हलवा भी रेडी है। अगर आपको मेरी ये तीनों रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी सभी को।